आज आप एक ऐसा उपाय बताएं जिससे चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकने लगे, क्योंकि हर कोई चाहता है चमकना, शीशे की तरह चेहरा चमक जाए। ठीक है जी, ऐसा कोई टिप्स नहीं है। कुछ हम वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे और उसमें से देखा एकदम से कि शीशे की तरह चेहरा चमक जाए, तो नेचुरली अट्रैक्ट हो गए देखने के लिए। तो देखा उसमें मेरे ही प्रोडक्ट बताया गया था कि इस प्रोडक्ट को लगाइए और शीशे की तरह चेहरा चमक जाए। तो हम आपको भी क्लियर कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो सबसे पहले हम गोरे और चमकदार हो जाते। चेहरा चमकता है डेली केयर से, शांत रहने से, किचकिचबाजी ना करने से, और जैसे आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते हो बस वैसे ही आप स्किन को ले लीजिए। लोग क्या कहते हैं, ट्वाइस इन वीक, थ्राइस इन वीक, कुछ नहीं होना उससे। डेली केयर कर ले, बस डेली केयर कर लीजिए। तो देखिए, डेली केयर के हमने बहुत सारे टिप्स बताए हुए हैं अपने आप बना के करने के, लेकिन अब हम टू द पॉइंट आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं, ए भाई आप कितने भी टिप्स बता दीजिए, हम नहीं कर सकते, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम भी नहीं है और प्रॉब्लम ज्यादा है। तो उसका एक सोल्यूशन हम आपको एक बता रहे हैं, जैसे ये है पायल हर्बल पाउडर फेस पैक। इसके अंदर एक मैजिक बॉक्स है। अब जिसके पिंपल्स हैं, मैजिक बॉक्स को जैसे 2 पिंच इसने निकाला और रोज वाटर में मिला करके अगर आपने उसे पिंपल्स पे ऐसे ऐसे रख दिया, तो थोड़े दिनों बाद, बट बिना गैप के, डेली मीन्स डेली, यानी कि आज लगाया आप परसों लगाएंगे, आज लगाया तो कल लगेगा, या आपने मैजिक बॉक्स लगा लिया तो आपके पिंपल्स वगैरह कम हो गए। इसके अंदर जो पाउडर है, उस 2 चम्मच ये पाउडर निकाल लिया। पपीता आपने कद्दूकस किया, थिक सा पेस्ट बना लिया। हर्बल क्लींजिंग में दूध में नींबू डाला और उसको मुंह पे लगा दिया और उसको हल्का सा रबिंग करके फिर पोंछ के फिर इस पैक को लगा लिया, पपीते में घुला हुआ, और इस पैक को लगा के ऐसे लेट जाइए, मींस 30 मिनट्स के, और यहाँ तक लगाइए। कहते हैं मेन चीज है कि जनरली देखो नेक काली रहती है, यहाँ से डबल चिन भी है, लकीर लकीर भी हो रही है, मतलब सत्यानाश हुआ होता है। ये सारी चीजें इससे रुक सकती हैं। अब क्या होगा, किसी ने एक बार लगाया, अरे मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, लाल हो गया, पीला हो गया। देखो, एक बार में कुछ भी नहीं होना है, एक बॉक्स में होना है। जब इस बॉक्स को आप डेली विदाउट गैप पपीते के घोल में, तो पके केले में मिक्स करके, या टमाटर के रस में, या अनानास के रस में, गाजर के रस में, एप्पल के पल्प में, यानी कि किसी भी फ्रेश फ्रूट पल्प में इस पाउडर को मिक्स करते हैं और ऐसे बीट करके पूरे चेहरे पे लगाते हैं, पूरे चेहरे पे, एंड लीव इट फॉर मिनिमम 20 मिनट्स, और उस 20 मिनट्स बिंदास लाइट कूल कूल, यहाँ पर कुछ खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो धुआं आता है चेहरे पे। उस पर तो कोई वर्क ही नहीं सुनना चाहता, ना करना चाहता, हम खुद ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा रहती है, क्योंकि चेहरा मन का दर्पण है। यहाँ संभालिए, यहाँ तो अनूर बरसता ही है, सारी प्रॉब्लम तो यही है। एनीवे, पैक आपका जब सूखने लगा उसके पहले, हार्ड मत होने दीजिएगा, अब इस पैक को आपने बेसिन पे जाके आइस बंद कर लीजिए, पूरा ऐसे ऐसे करके मसाज कीजिए, पानी से आप चेहरा धो दीजिए, जो पहली नजर आपकी शीशे पे पड़ेगी वहां से फील गुड शुरू हो जाएगा। कुछ जड़ी बूटियों का सत इसके अंदर है। पायल जी बताइए, हाँ? ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपका? ये pilehubble.com हमारी वेबसाइट है, उस पे अवेलेबल है, मीशो पे, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, Amazon, सब पर अवेलेबल है ये। तो ये जो फेस पैक है, अगर किसी को डिस्कलरेशन है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब चाह भी रहा है, प्रॉब्लम भी मेजर है और सुलझा भी नहीं पा रहे हो, तब ये डब्बा आपको काम अच्छा, आएगा। एक चीज और है ना पायल जी, आजकल यंगस्टर्स में तो उनके चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसी के लिए तो मैजिक बॉक्स है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर जिसके पिंपल्स वगैरह रोज वाटर में मिला के आपने पूरे चेहरे पे लगा दिया, 5 मिनट के बाद जब सूख गया, तो इसी पैक में नीम का रस, जैसे नीम की पत्ती उबाली और छान लिया, उसमें ये पाउडर डाल के फ्रिज में रख दीजिए, 10-15 दिन ही चल जाएगा, रोज उठा के बच्चे लगा दें। पायल जी, ये कोई भी एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं? ये कोई भी लगा सकता है। अब इसमें ये जैसे यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि एप्पल कौन खा सकता है, सब खा सकते हैं अपने अपने तरीके से, वो फायदा करना ही करना है, लेकिन शर्तें हैं कुछ इसके साथ में, वो भी फॉलो कर सकते हो तो बिल्कुल भी ना लो, और अगर फॉलो कर सकते हो और प्रॉब्लम मेजर है और एक डब्बे में ही आप अंतर देखना चाहते हो, तो सिर्फ डेली लगाओ। अब कहोगे डेली लगा, डेली यही काम बचा है क्या? तो भाई एक बार घोल के रख लो, जो पपीते में घोलोगे फ्रिज में रख दोगे 3 दिन चल जाएगा, नीम उबाल के उसके पानी में घोल के रखोगे 10 दिन चल जाएगा। करने के बाद जो फ्रेश फीलिंग आती है, मतलब ये तो बड़े बड़े लोग पार्लर में इसको यूज कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस हमसे वहां से शेयर करते हैं। हम इस पाउडर पैक को अपने पार्लर्स में यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनके इनके क्लाइंट्स को फायदा हो रहा है और हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसे हमने इस पैक को पहले जब नया नया आया था तो हमने बोला था सिर्फ पपीते में लगाना है, बट
लोगों के एक्सपीरियंस, सबके अनुभवों ने बताया, तो समझ में आया कि और फ्रूट्स में मिक्स करके और असर अच्छा आ रहा है, मतलब इक्वल टू पपाया। तो आप किसी भी पल्प में, फ्रेश पल्प में इसको लगाइए, जब आपको लगे प्रॉब्लम ज़्यादा है, सुलझा नहीं पा रहे हैं, और माइंड सेट कर लीजिए 21 दिन तक बिना गैप के डेली लगाएंगे। इतना कर लिया फिर आपको मस्त और बिंदास दिखने से कोई नहीं रुक पाए, तब आपको इसका पूरा असर दिखेगा। पायल जी, इतना सब करने के बाद क्या चेहरा शीशे की तरह चमकेगा? आई एम सो सॉरी, इतना सब करने के बाद भी शीशे की तरह चेहरा नहीं चमकेगा। बस जो भी प्रॉब्लम है वहीं के भी रुक जाएगी। एक बार देखो रुक जाएगी, तब धीरे धीरे ग्लो आना शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ एड्स में होता है कि पाए त्वचा एकदम शीशे की तरह चमकती, शीशे की तरह कभी कोई त्वचा नहीं चमकती, क्योंकि उस त्वचा को इनसाइड भी बहुत कुछ चाहिए होता है, मेंटली चाहिए होता है, डाइट में चाहिए होता है, बाहर के पॉल्यूशन से बचने के लिए। तो ये सब तो आपके साथ चल ही रहा है, उसमें ये एक आपके पास सुरक्षा कवच की तरह आपके पास आ जाता है कि जो आपकी स्किन को बचा लेता है बहुत सारी चीजों से। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि आप हर बार करते जाओगे, आपको हर बार का रिजल्ट हर बार दिखेगा। तो यानी कि गैप नहीं करना है, बस हर दिन करिए और मसाज करके पैक को धोइएगा, फिर आप देखिए।